हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी जहां भी हो अच्छे एंड हेल्दी हो। तो आज हम मिले हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, जो है ठंडी ठंडी कूल कूल आइसक्रीम। तो आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम, जो हम घर में बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं और ये बनानी बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। ये है दो बड़े कटे हुए मैंगोस, जो हमें पके हुए लेने हैं, और ये है 1/3 कप शुगर, आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो, और ये है 2 टेबलस्पून 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, और ये है 1 टेबलस्पून लेमन जूस, और ये है 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, और ये है 1/2 कप स्वीट कंडेंस मिल्क। इसकी जगह पर आप मलाई भी ले सकते हो, आपके घर में जो फ्रेश मलाई होती है। आप दूध गर्म कर लेते हो, गर्म करने के बाद आप फ्रिज में रख देते हो, जब उसके ऊपर जो मोटी वाली लेयर मलाई की आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, उससे हमारी आइसक्रीम और भी ज़्यादा क्रीमी बनेगी। और ये है 1.5 कप हमारा मिल्क, फ्रेश मिल्क। तो अभी हमें करना क्या है, इन सभी चीज़ों को ब्लेंड करना है बस, और फ्रीज़र में लगा देना है। ये मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, मैं अपने सभी कटे हुए मैंगो इसमें डाल देती हूँ। हमारा फ्रेश मिल्क डाल देते हैं, हमारी शुगर चीनी डाल देते हैं, हमारा लेमन जूस वो डाल देते हैं, और मिल्क पाउडर वो भी डाल देते हैं, और हमारा स्वीट मिल्क डाल देते हैं। बंद किया, बस चला दिया। तो देखो मैंने 1-2 मिनट इसको ब्लेंड कर दिया अच्छी तरह से। तो देखिए मैंने एक कंटेनर ले लिया है, आप प्लास्टिक का कंटेनर हो या एल्युमिनियम का कंटेनर हो या ग्लास का कंटेनर हो, कोई भी कंटेनर ले सकते हो। तो अभी हम इसमें जो हमारी मैंगो की प्यूरी हमने बनाई है ब्लेंड करके, इसमें डाल देंगे। डाल दी हमने, 2-3 बार टैप करके अच्छी तरह से सेट कर लें, और ये हमारा जो कंटेनर का लीड है वो उसमें लगा दें। तो अभी हम इस कंटेनर को फ्रीज़र में 4 घंटे के लिए सेट करने के लिए रख देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, मैंने इसको 4 घंटे के बाद फ्रिज से निकाल लिया है अपनी आइसक्रीम को। तो अभी हम एक विस्क लेंगे, उसके साथ हम फिर से इस आइसक्रीम को मिक्स करेंगे। तो देखो सारी हमने मिक्स करनी है ऐसे, तो इसे 1-2 मिनट के लिए आप ऐसे मिक्स करते जाएं। इसको ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये सेट हो जाए फिर से। तो अभी 10 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद ये रेडी हो जाएगी, फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे 10 घंटे के बाद अपनी आइसक्रीम को फ्रीज़र में से निकाल लिया है, ये बिल्कुल ही सेट हो चुकी है, बिल्कुल ही सर्व करने के लिए तैयार है। तो चलिए हम इसे सर्व करने के लिए स्कूप कर लेते हैं। तो देखिए मैंने 2 सर्विंग ग्लास ले लिए हैं, तो अभी मैं अपनी आइसक्रीम को स्कूप करूंगी और इनमें डालूंगी। ये देखो कितनी अच्छी जम करके रेडी हुई है। तो अभी हम इसको सर्विंग ग्लास में डाल लेते हैं सर्व करने के लिए। तो मैंने इनको 2 ग्लास में डाल दिया था सर्व करने के लिए। अभी हम इस पर थोड़ी थोड़ी चेरी लगा देते हैं, डेकोरेशन कर देते हैं, इनकी गार्निश भी तो ज़रूरी है ताकि हमारी आइसक्रीम देखने को अच्छी लगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मैंगो आइसक्रीम बन करके रेडी है। मैंने इनको सम रेड चेरीज के साथ गार्निश कर दिया है। तो देखा है कितनी आसान घर में बनानी ये मैंगो आइसक्रीम। आई एम श्योर कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे इसे घर में बनाने के लिए। आप इस आइसक्रीम को ठंडा ठंडा सर्व करें। अगर आपको ये मेरी मैंगो की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। मिलती है एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ हेल्दी लाइफ, Enjoy the homemade mango ice cream. Bye bye.